पिछले कुछ समय से इंडियन आर्मी चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान से ज्यादा ध्यान दे रही है। गोगरा हॉटस्प्रिंग से पीछे हटने के बाद भी इंडियन आर्मी ने चाइना के साथ लगती LAC के ऊपर कई नए नए हथियार डिप्लॉय किए हैं, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उसके ऊपर। भारत अब पाकिस्तान के चैप्टर को साइड करके चाइना को टैकल करने और चाइना के साथ युद्ध की तैयारियों में जुटा है। ये चीज कंफर्म हो जाती है हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट के साथ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सेकंड CDS अनिल चौहान को इंडियन आर्मी में चाइना के एक्सपर्ट के रूप में माना जाता है। वो एक 3-स्टार ऑफिसर थे जिनको रिटायरमेंट के बाद 4-स्टार रैंक के साथ वापस नियुक्त किया गया है, क्योंकि पिछले CDS बिपिन रावत तो इंडियन आर्मी चीफ भी रह चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को रिटायरमेंट से वापस बुलाकर CDS नियुक्त करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि वो ईस्टर्न आर्मी कमांड को लीड कर चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में जो उनका काम है वो काबिले तारीफ था। उनकी कमांड में पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट में चाइना के खिलाफ काफी बढ़त बना ली है। वो पिछले साल मई महीने में रिटायर हुए थे। चाइना के एक्सपर्ट को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नियुक्त करके भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि अब हमारी नजर चाइना के ऊपर है, ना कि पाकिस्तान पर। इतना ही नहीं, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय में भारत ने नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है बल्कि कई सारे हथियारों को चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर जो हमारी पोस्ट है वहां तक पहुंचा दिया है, वो भी तब जब चाइना लद्दाख LAC के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट चुका है। इससे पहले PM मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने SU समिट के साइडलाइंस पर कोई मीटिंग नहीं की थी। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भारत में ऑपरेट कर रही कई सारी चाइनीज कंपनीज के ऊपर छानबीन करना भी शुरू कर दिया है। ये सब चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत और चाइना के रिलेशंस अब पहले की तरह कभी नहीं हो सकते हैं। वहीं चाइना की तरफ से अब इन सब के बाद भारत के साथ शांति की अपील की जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक चाइना का कहना है कि भारत और चाइना के संबंध है इसके खराब होने से न सिर्फ दोनों देश प्रभावित होंगे बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है। दरअसल भारत में जो चाइना के एम्बेसडर हैं सुन वेईडोंग, उन्होंने पिछले कल भारत और चाइना के रिश्तों के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है। सुन वेईडोंग ने कहा है कि चाइना और भारत संबंधों का न केवल दोनों देशों के लिए महत्व है बल्कि इस पूरे रीजन और दुनिया के ऊपर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि चाइना भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, जिसके लिए सुन वेईडोंग ने दोनों देशों के बीच में बायलेटरल टाइज के सुधार के लिए 4 प्रपोजल्स यानी 4 प्रस्ताव भी रखे। पहले प्रपोजल में चाइनीज एम्बेसडर ने बताया कि दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बढ़ावा देना होगा। दूसरे प्रपोजल में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस तरह से कोऑपरेट करना होगा जिसमें भारत और चाइना दोनों के लिए विन हो, यानी किसी को भी अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे प्रपोजल में सुन वेईडोंग ने कहा कि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म के जरिए हैंडल किया जाना चाहिए। चौथे प्रस्ताव में चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि भारत और चाइना के बीच जो भी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन है उसको और मजबूत करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जो एशियन सेंचुरी का सपना है वो भारत और चाइना की जॉइंट डेवलपमेंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन के साथ ही पूरा होगा और भारत चाइना और एशिया के बाकी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग बढ़ाने से ही होगा। चाइनीज एम्बेसडर ने भारत से अपील करके कहा कि दोनों देश साथ में बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं, इसलिए दोनों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना को प्रधानमंत्री मोदी ठीक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।